नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स और मैं हूं रीमा। राजधानी लखनऊ में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का अमृत महोत्सव कार्यक्रम को भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण लखनऊ द्वारा 3 दिवसीय अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 16 नवम्बर से 18 नवम्बर तक रखी जाएगी। दरअसल इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजभाषा हिंदी के अनुप्रयोगों को तकनीकी एवं वैज्ञानिक कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ इन क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण आम जनमानस को उनकी दैनिक बोलचाल की भाषा में साझा करनी है। संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के महानिदेशक श्री राजेंद्र सिंह के कर कमलों द्वारा की गई। साथ ही सर्वप्रथम सम्मानित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित करने के उपरांत ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं इस शुभ अवसर पर अखिल भारतीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी राजभाषा संगोष्ठी के सारांश संकलन एवं भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण की राज्य इकाई कर्नाटक व गोवा की हिंदी गृह पत्रिका वसुधा का विमोचन भी किया गया। फिलहाल इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी सिंह विभाग अध्यक्ष भू विज्ञान विभाग काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा आयोजित संगोष्ठी के सफलतम आयोजन के लिए बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार से राजभाषा हिंदी द्वारा पूरा राष्ट्र एक माला में पिरोया हुआ है, उसी तरह से ऐसे आयोजन विविधता में एकता के भी प्रतीक है। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इसीलिए जो आज हमारे यहाँ पर देखे तो प्रोफेसर हमारे बीच में थे, एक कुमाऊँ विश्वविद्यालय से और एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। तो हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी टीचर अपने क्लासेज में जो उनके स्टूडेंट्स आते हैं उनको हिंदी में भी पढ़ाएं, ताकि उसी जब वहाँ से हिंदी में पढ़े हुए लोग आएंगे तो एक एक न एक दिन हम प्रयास करते रहेंगे तो हम सब कुछ जैसे और देश करते हैं, चाइना है या यूरोपियन कंट्रीज़ में देखो, सबकी अपनी भाषा है और सबको गर्व होता है अपनी भाषा में बात करने पर। लेकिन हम लोग ही हैं कुछ जो अपनी भाषा में बात करेंगे तो ऐसा लगता है कि कोई बोलेगा ये तो घुमाड़ है या ये नहीं, हम लोग घुमाड़ नहीं है, अपनी भाषा को हम बढ़ाना चाहते हैं। सर, आपके विभाग से रिलेटेड जो टेक्निकल लैंग्वेजेस की अगर बात की जाए तो उससे रिलेटेड सर क्या काम हुआ है और दूसरे लोगों तक उनको कैसे असर पहुँचाएगा? बिल्कुल, अब हम अपने विभाग में शुरू कर रहे हैं तो दूसरे मतलब विश्व कम्युनिटी जो है उनके साथ तो अंग्रेजी में ये होता ही है, कम्युनिकेशन होता ही है। कम से कम हमारे देश के लोग जाने तो इसमें राजभाषा विभाग भी बहुत काम कर रही है। राजभाषा विभाग की तरफ से मतलब एक पूरा इसका वो तीन मूर्ति में ना राजभाषा शब्दावली आयोग है जो कि शब्द ज्ञान बना रहा है, शब्द ज्ञान बना रहा है और इसको प्रोत्साहित करता है, हर कार्यालय में विजिट करता है और वहाँ पर इसमें देख मतलब हिंदी के कार्य कितने हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो सबका संज्ञान लेता है। धन्यवाद। अपने शहर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।